आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं के अध्याय 11 के प्रश्नावली 4 के पांचवा प्रश्न से शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले वाले जितने भी प्रश्न हैं और अध्याय है, अगर आपको उसको देखना है तो इस वीडियो के कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप उन सारे अध्यायों को, पीछे के जितने भी अध्याय उन सभी को देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न से शुरू करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इसे हमें सिद्ध करके बताना है। अब कैसे बताओगे? तो पहले आपको चित्र को जानना होगा। जब तक कि आप चित्र को नहीं समझोगे तब तक आप नहीं बना पाओगे। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है, मैं आपको समझाता हूं। दो चित्र बना लेते हैं पहले, इस तरह से। इस तरह से दो चित्र बना लेते हैं और ये रहा, दो खंडों में ये बंटा हुआ है तो दो खंड में बांट देते हैं। ये ऊपर को ए कहा है, ठीक है, बिंदु पॉइंट दिया है, इसको बी बिंदु पॉइंट दिया है, इसको सी दिया है और इसको ए डेस नाम दिया है। इसी तरह से यहाँ पे पी है, ये क्यू है और ये आर है और ये वाला जो पॉइंट है ये पी डेस है, ठीक है। इस तरह से दो चित्र दिए हुए हैं। अब दोनों चित्र को ध्यान से देखो तो ये ए बी और सी, पी क्यू आर, दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप। प्रश्न में जैसा कहा है वैसा हम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिया है प्रश्न में, कहा भी गया है ना, समरूप है। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, समरूप को आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं या समरूप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज का निशान लगा लो और ये क्या है? पी क्यू आर है। क्यू आर क्या है? ये दोनों समरूप है, समझ में आ गया, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है। अब हम क्या करने वाले हैं प्रश्न में, और आगे क्या कहा है कि प्रश्न में कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। प्रश्न में कहा है ये, ठीक है। तो प्रश्न में जो कहा है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पता है कि नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे ये जो दोनों त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दे दो तो ये ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल भी लिखना है क्योंकि प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो अनुपात का मतलब होता है बटा में लिखना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो देखो ये अनुपात में हो गया, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं अनुपात में। अब हम क्या करेंगे, इन ये जो दोनों त्रिभुज है इन दोनों के जो संगत भुजा है, जैसे एक जैसे दिखाई देने वाला भुजा, उसको हम भाग करते जाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसे कि ये ए बी है तो इस ये जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा ही आपको कहाँ पे और भुजा दिखाई दे रहा है, तो देखो पी और क्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और पी क्यू इन दोनों को वर्ग करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है? वर्ग होता है। तो दोनों को ए बी भुजा का वर्ग और ये पी क्यू भुजा का वर्ग करके इस तरह से आपको लिखना है। तो तीनों भुजा को बारी बारी से लिखेंगे, ये हो गया बी सी और ये हो गया क्यू आर। तो लिखो बी सी और ये हो गया क्यू आर और दोनों का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। बचा है सी ए और आर पी, तो लिखो सी ए का वर्ग अपान आर पी का वर्ग, इस तरह से आपको लिखना है। इसे आप समीकरण एक नाम दे दो, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः, ठीक है, ध्यान देना, पुनः पुनः हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखो ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंदर, ठीक है, कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज। अगर ए और ए डेस इस तरह से यहाँ पे आता है तो ये दो खंडों में, ये जो त्रिभुज है इसको दो खंडों में विभक्त कर देता है, इसको भी दो खंडों में विभक्त कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इनमें से सिर्फ एक त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे तो इसके लिए इस वाले को लेंगे दूसरे में, अगर हम इसको ले रहे हैं तो दूसरे में इसको लेंगे, समझ में आ गया। तो दोनों में से कोई एक त्रिभुज को आपको लेना है और दोनों में से एक त्रिभुज लेना है तो दोनों का एक एक ही लेना है ना, और सेम सेम त्रिभुज को लेना है, दूसरे त्रिभुज को नहीं लेना है। तो पुनः अब हम क्या करने वाले हैं, ए बी और ए डेस को ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पी क्यू पी डेस को लेना है,
तो लिखो यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए बी ए डैश समरूप है त्रिभुज पी क्यू पी डैश के। ठीक है, इस तरह से ये समरूप है। अब सेम टू सेम जो यहाँ पे हमने किया है सेम टू सेम इसके साथ भी करेंगे, तो यहाँ भी कर देते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज पी क्यू पी डैश का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे अब देखो भुजा देखते हैं, ये वाला देखो ए बी भुजा, तो पी क्यू भुजा को लेना है हमें, तो यहाँ पे ए बी भुजा का वर्ग अपान पी क्यू भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये वाला जो भुजा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा तभी ये ए बी के बराबर होगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भुजा बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो ये ए बी भुजा के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस भुजा के ये आधा है, इसलिए हम इन भुजाओं को नहीं लेंगे। ठीक है, बी और ए डेस को हम नहीं लेंगे, इसी तरह से यहाँ भी क्यू और पी डेस को नहीं लेंगे। अगर हम इसमें इसको नहीं ले रहे हैं तो इसमें भी इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब ये पाँच है तो ये भी पाँच होना चाहिए, ये छः है तो ये भी छः होना चाहिए, ये सात है तो ये वाला भी सात होना चाहिए, तभी तो भुजा बराबर होगा ना। तो ये वाला भुजा हम नहीं लेंगे, तो हम किसको लेंगे, ए और ए डे इसको, क्योंकि ये दो खंडों में बांट रहा है इसको, तो दो खंडों में बांट रहा है। हालांकि ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक के ये उसके कंपेयर करेगा, लगभग मान जाएगा, तो लगभग मान के कारण हम इसे उठा सकते हैं। ठीक है, आप इसको हल करके देखोगे तो ये लगभग मान आएगा, लेकिन करेक्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और ए डेस को लेंगे और यहाँ पे पी और पी डेस को लेंगे, क्योंकि ये लगभग है उसके। तो यहाँ पे इसके बराबर जो है, इसके बराबर जो है कौन सा भुजा हो रहा है, ए ए डेस हो रहा है, और यहाँ पे पी और पी डेस हो रहा है। इसको आप दूसरा समीकरण कह दो, ठीक है, दूसरा समीकरण आप नाम दे सकते हो। अब हम समीकरण एक और दो को दोनों को लेंगे और तुलना करेंगे। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर ये जितना है, ठीक है, भुजा की लंबाई जितनी इस भुजा की लंबाई उतनी इसकी भी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी, मतलब तीनों भुजा की लंबाई एक जैसा है, तीनों का एक जैसा है। मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाई होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा। या अदर एग्जाम्पल में अगर आपको मैं समझाऊं, तो अगर मैं इसका मान सात रखता हूं तो इसका भी सात होगा, इसका भी सात होगा। समझ में आ गया, इन तीनों का सात होगा। तो हमें तीनों को नहीं लेना है, तुलना करेंगे तो इनमें से किसी एक को उठाना है, किसी को भी उठा लो। तो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर और क्या है पी क्यू स्क्वायर है ना, तो ये सभी का मान क्या हो जाएगा, ये जितना है उतना ये भी मान रहे लगभग मान में, तो ये सभी का मान ये जो आपको दिखाई दे रहा है इन सभी का मान ये वाला मान हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे आप लिख लो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो ये जो ए बी स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर है, इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये वाला मान, इन तीनों के जगह पे ये वाला मान हम रखेंगे। तो ये पूरा मान आप लिख लो, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या रख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें ये इसका मान भी इसके बराबर है ना, तो जहां पे ये मान रहेगा उसके स्थान पे ये मान को बस हमें रखना है। तो ये हो गया ए ए डेस पी पी डेस, और यही क्या कर रहा है, इसे प्रमाणित कर रहा है। यहाँ पे वर्ग करना मैं भूल गया था ना, वर्ग लिखना है, इस तरह से आप वर्ग लिख लो। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। इस तरह से आप इसका आंसर ला सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब के जितने भी प्रश्न रहेंगे ना ऐसे ही टफ रहेंगे, आसान नहीं रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देखना है और अच्छे से समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, छठवां प्रश्न है,
साहित एक खंभे की लंबाई का अनुपात लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच की छाया व खंभे के शिखर क्यू की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। यदि डी बराबर 1.6 मीटर और डी एफ बराबर 4.4 मीटर हो तो खंभे की लंबाई क्या होगी जबकि साहित की लंबाई 1.2 मीटर है। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उस चित्र में देखो हमें निकालना क्या है, तो हमें खंभे की लंबाई निकालना, और चित्र में खंभा क्या है, क्यू और एफ जो है खंभा है। चलो मैं एक बार चित्र बना लेता हूँ जिससे आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही सभी मानों को हम रख लेते हैं और कुछ नहीं करना है, बस हमें खंभे की लंबाई जो है वो निकालना है। तो पहले चित्र बनाएंगे तब आसान हो जाएगा। ये रहा, इस तरह से एक खंभा दिया हुआ था और यहाँ पे थोड़ी दूर में साहिद जो है ये खड़ा है यहाँ पे, तो ये जमीन का बराबर लेवल है। तो जमीन के बराबर लेवल को इस तरह से बना लेते हैं भाई, ये खंभा गड़ा है, ये जमीन के बराबर लेवल है। अब यहाँ से यहाँ पे है सूर्य है, सूर्य जब प्रकाश के किरण पड़ता है तो ये जो छाया प्रतिबिंब बनता है खंभे का, ये साहिद जितना बनता है जहाँ पे खड़ा है उतना ही, तो यहाँ पे और इस तरह से बनते बनते ये इस एरिया को पूरा क्या कर लेता है, ढक लेता है। अगर सूर्य का किरण जो है इस एरिया में पड़ेगा, इस साइड में सभी जगह, तो ये जो पीछे में रहेगा वो जितना भी साइड है वो सब तो ढक जाएगा ना, आपको पता है ना। आप किसी के आगे में खड़े होते हैं और सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है, तो पीछे वाला व्यक्ति जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं पाता है। तो सेम वही यही फंडा है यहाँ पे, कि यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ से अब पड़ता है, तो ये क्या है, पीछे में कौन खड़ा है, ये साहिद है। कौन है, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ साहिद, और ये है खंभा, ठीक है। तो खंभा में प्रकाश पड़ता है, तो ये प्रकाश की जो ऊपरी हिस्सा है ये पूरा इस हिस्से को ढकते हुए ऊपर से इस तरह से साहिद के इस किनारे से, मतलब सिर के ऊपर से इस तरह से जाते जाते इस एरिया तक के वो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसको क्या कर रहा है, वो ढक रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। यही प्रश्न में कहा है। अब जितना जितना मान यहाँ पे दिया है ना उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्यू है, बिंदु पॉइंट है, और ये जो बिंदु पॉइंट है ये एफ है, ये ई है, और ये एच बिंदु पॉइंट है, और ये जो है ये डी है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ से यहाँ की लंबाई दिया हुआ है, डी से ई की लंबाई 1.6 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ की भी लंबाई पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो चित्र में नहीं दिखाया गया है, तो नहीं दिखाया गया है तो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है। तो यहाँ से यहाँ की पूरी लंबाई कितनी हो गई, 4.4 मीटर, और साहित की भी लंबाई दिया हुआ है तो वो है 1.2 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है उसको हम यहाँ पे चित्र में ही दर्शा देते हैं, ठीक है। तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रश्न को हल करना शुरू करो, हमें निकालना है इस खंभे की लंबाई कितना है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे हल करोगे। तो यहाँ पे पहले आपको दिया है कह के लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो दिया रहता है उसको आप लिख लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मानों को रखना। और जो चेक करने वाला होता है, अगर दिया है कह के मान अगर लिखते हो और उन सभी टॉपिकों को लिख लेते हो जो जो दिया रहता है, तो चेक करने वालों को पता है कि ये बनाने वाला जो है वो थोड़ा समझदार है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए यहाँ पे उन सारे टॉपिकों को मेरे लिए ही खुद आसान कर दिया है, ये सोचते हैं कौन चेक करने वाला। तो चलो आगे देखें। इसके बाद है ये DE बराबर 1.6 मीटर है, DF बराबर प्रश्न में 4.4 मीटर दिया हुआ है, और प्रश्न में Q से F की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और यहाँ पे खंभे की लंबाई भी दिया हुआ है, वो है H और E की लंबाई दिया हुआ है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, और इसी बड़े वाले त्रिभुज के अंदर यहाँ पे जब साहित खड़ा होता है तब दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ बनता है, बन रहा है ना दोनों त्रिभुज। तो चलो हल करते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज क्या है बड़े वाला, देखो तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो है क्यू डी एफ, ठीक है, क्या है क्यू डी एफ, तो लिखो यहाँ पे क्यू डी एफ, और ये समरूप है, ठीक है, किस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के समरूप है बड़ा वाला, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है, तो आसान है, मतलब
स्वाभाविक है कि वो समरूप होगा, ठीक है, तो इसलिए समरूप है, तो यहाँ पे लिखो एच डी और ई लेना है हमें, तो त्रिभुज एच डी ई ये क्या है, समरूप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आधारभूत, यहाँ पे लिखो, मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ठीक है। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये प्रमेय हम क्यों लगा रहे हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ये है क्या, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में देखो ये क्या है, ये आधार है, ठीक है, दोनों का आधार देखो, ये इसके लिए ये आधार है और इसके लिए यहां से यहां ये दोनों के लिए आधार है, तो दोनों के जो आधार है इसमें दोनों का जो कोण है वो सेम है, कोण जो है वो सेम है, अलग नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे जो डी कोण बन रहा है ये बड़े वाला जो मतलब ये जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना उसके लिए भी डी कोण बनेगा, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना उसके लिए भी यही डी कोण रहेगा, तो दोनों का कोण एक जैसा है कि नहीं, है ना, क्योंकि दोनों जो त्रिभुज है वो एक ही त्रिभुज में है, मतलब दोनों का कोण एक ही त्रिभुज में है और दोनों का जो कोण है वो डी ही है, तो इसीलिए यहाँ पे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यहाँ पे यूज हुआ है। दोनों अगर समान होता है तब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय हम यूज करते हैं, कब, जब दोनों त्रिभुज या दोनों कोण एक ही बिंदु पर बने, तो यहाँ पे देखो एक ही बिंदु पर दोनों बन रहे हैं इस तरह से। चलो आगे उसके बाद हल करेंगे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में आपको लिखना होगा, ठीक है, तो लिख दो भाई, तो यहाँ पे फिर से हम ये वाला टॉपिक लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हम डायरेक्ट कोण को लिख लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा कोण को लिखना, कोण बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है क्यू डी एफ, तो लिखो क्यू डी एफ, और छोटे वाले में कोण बन रहा है यहाँ पे एच डी ई बन रहा है, एच डी ये रहा ई, दोनों का कोण क्या है, दोनों का कोण जो है वो कोण डी है, ये भी कोण डी रहेगा, दोनों में कोण डी डी बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कोण है, मतलब ये भी कोण, ध्यान देना ना, और ये भी क्या है कोण है, डी कोण है ये और कोण ए है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, चलो सेकंड पेज में मैं आपको बताता हूं, इसे हम कहते हैं कोण कोण समरूपता प्रमेय कहते हैं या समरूपता गुण कहते हैं, तो यहां पे आप लिखो कोण कोण समरूपता प्रमेय, ठीक है, प्रमेय आप लिख लो, कोण कोण समरूपता प्रमेय, क्यों कोण कोण समरूपता प्रमेय हुआ है, क्योंकि दोनों कोण थे और दोनों एक ही कहां पे बन रहे थे, दोनों जो है एक ही बिंदु पर दोनों जो है कोण बना रहा है और दोनों जो है कोण है, इसीलिए कोण कोण समरूपता प्रमेय यहाँ पे लगा है। अब कोण कोण समरूपता प्रमेय जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं चित्र पे, देखो चित्र में है, एक है क्यू एफ है ये और एक है एच एफ है, दोनों देखो क्या है समांतर है ना, दोनों समांतर है, तो समांतर है क्या होगा, इसके साथ इसका हम भाग दे देंगे, ठीक है, इसके साथ इसका भाग दे देंगे, और ये वाला रेखा देखो एक ही रेखा पे दोनों जा रहा है, मतलब यहां से यहां और इसका आधा करेंगे तो यहां से यहां, मतलब दोनों आधार देखो एक ही रेखा पे, तो हम इन दोनों को भी यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो खंभा है, ठीक है, खंभा को हमने किससे दर्शाया था, क्यू और एफ से, और साहित को, साहित को एच और ई से, इसी तरह से बड़े वाले का जो आधार है वो क्या है, एफ और डी है, और छोटे वाले का जो आधार है मतलब त्रिभुज का वो क्या है, ई और डी है, इनका मान दिया है, जिन जिन का मान दिया उनका मान रख देते हैं भाई, तो ऊपर का तो हमें निकालना है, तो इसका मान हमने एक्स रखा है, एच एफ का मान 1.2 था, ठीक है, साहित की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, इसके बाद बड़े वाला जो आधार है एफ डी, एफ डी ये था 4.4 मीटर था, और नीचे वाले का जो आधार है वो 1.6 था, तो हम उन सभी जगहों पे मान रखेंगे जहां जहां पे मान दिया है, ठीक है, तो जिन जिन का मान दिया है वहां पे हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम मानों को रख लिए। अब इसको हल करेंगे, तो मुझे ये एक्स अकेला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तिरिया गुणा करूंगा, ठीक है, तिरिया गुणा करेंगे तो ये एक्स अकेला हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 1.2 * 4.4 और नीचे में 1.6,
एक्स बराबर, इसको आप कटा देते हैं। तो कटाओगे तो ऐसा कोई तरीका तो नहीं पता है कि आप डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के इसे आप कटा सकते हो, तो क्या करोगे? कटाने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे देखो, जब भी हम इस तरह से देखेंगे तो इसको हमें क्या करना है, दशमलव से हटाना है। तो इसे मैं जब 12 बनाऊंगा तो क्या होगा, दशमलव का एक, और इसके पीछे कितने संख्या है, दो बस है ना, एक संख्या मतलब जीरो, इस तरह से। तो ये हो गया 10/12 बन गया। इसी तरह से 44 को बनाओ तो ये हो गया, मतलब 4.4 को 44 बनाओ तो ये दशमलव का एक, और इसका होता है शून्य। नीचे में क्या दिया है, 16 दिया है, मतलब 1.6 दिया, जिसको 16 बनाएंगे, दशमलव का एक, और इसके बाद कितने संख्या है, सिर्फ 6, तो इसको जीरो रखते हैं। तो इस तरह से, तो ये बन गया ऊपर वाला जो मान है, ठीक है, कितना बन जाएगा, 12/10 बन गया, गुणित 44/10 बन गया। और इसको भाग कौन दे रहा है, 1.6, मतलब ये वाला मान, तो ये हो जाएगा 16/ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितने पद है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला पद, ये ऊपर ऊपर वाला है, ये बीच वाला है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले और चौथे का गुणा और दूसरे और तीसरे का गुणा, इस तरह से होता है। तो गुणा कर देते हैं, तो ये एक्स बराबर 12 × 44, और नीचे में कौन सा है, 10 है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 है गुणित, यहाँ भी 10 है गुणित, 16 है, ये 10 और ये 10 कट गया। यहाँ पे 4 के पहाड़े में, अगर ध्यान, 4 के पहाड़े से ये 12 जो है 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। फिर 4 के पहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे तो 4 एकम मेरे 44 भी कट जाएगा, 4 एकम 4, एक एक बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 और 11 बस बचा है, तो 3 और 11 को अगर हम गुणा करते हैं तो 11 3 कितना हो गया, 33, और नीचे में कितना बचा है, 10। तो यहाँ पे बचा है 33/10 बचा है। अब इसको भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 3.3 आ जाएगा। तो 3.3 मीटर जो है किसकी लंबाई है भाई, खंभे की, खंभे की लंबाई, यही क्या है आपका आंसर है। देखो कितना आसान था प्रश्न, बहुत ही आसानी से मैंने हल कर दिया। बाकी जो प्रश्न और इसमें बचा है ना, उसको भी मैं इतना ही बारीकी से आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा भी डाउट ना हो।